कल ये बताई कि जिससे मेरी शादी हुई थी उससे मेरा मन नहीं भरता था। हाँ, मन भी नहीं भरता था। किस चीज में मन नहीं भरता था, खाने में कि किस चीज में? नहीं, वो खाने पीने में सब चीज में ठीक था, बाकी हमको लड़का पसंद नहीं था। किस चीज में मन, सेक्स में मन नहीं भरता था? हाँ, ये समझ अपनी बहन का जिंदगी बर्बाद कर रही है। बात तो सुने, सेक्स में मन रहता है क्या आपसे? आपके साथ सेक्स नहीं करता था? नहीं करता था, बाकी हमको पसंद नहीं रहता था। क्या पसंद नहीं आता था उसमें बताइए, वो करने लायक नहीं था सेक्स, नमर था? अच्छा, तुम इसके पति के साथ अब नहीं ना रहोगी? जब ये नहीं रहने दे रही तो हम भी नहीं। अच्छा, ये रहने देगी, आपको समझदारी नहीं है? हम नहीं। अरे, तुमको घर उजाड़ने के लिए बहन का ही घर मिला था, साथ डायन घर छोड़ के भी डायन घर दूसरे घर में बार करती है। तुम अपने ही घर में, तुम अपनी बहन का घर लूट ली, तुमको शर्म नहीं लगा? चार चार बच्चा है उसको। और जानते हैं, ये अपने पति को, जो बहुत अच्छे से शादी हुई थी इसकी, अपने पति को जीजा के प्यार में उसको छोड़ दी है। ये शादी से पहले ही अपने जीजा से प्यार करती थी। कल इसने कबूल किया हम लोगों से कि मेरा अफेयर था पहले से ही, और इसका जीजा ही शादी तोड़वाया। तुम अपने बहन का घर क्यों बर्बाद की ये बताओ? हम अपना, तुम्हारी बहन का चार बच्चा है ना? आपके जीजा के साथ आपका कब से संपर्क चल रहा है, अफेयर कब से चल रहा है? तीन साल से था। आपके शादी के पहले की शादी के बाद में? शादी के बाद पूरा हो गया था। शादी से पहले बात विचार होता था बस। शादी से पहले अपना जीजा से प्रेग्नेंट हो आप? अब उतना कंफर्म नहीं है। मतलब आपका कितने लड़कों से संपर्क है? हमको पास खाली इन्हीं से है। तो कंफर्म क्या होना है इसमें? खाली इन्हीं से आप, कुछ कोई से नहीं। तो किसका बच्चा है? अब चेकअप होला पर ना। अभी अलग से कितने दिन से तुम रूम में हो जीजा के साथ? साल भर बताइए, एक साल से ये अपने जीजा के साथ रह रही है, अपनी बहन को छोटे से बच्चे की संभाल पूछ के इसको बड़ा की है, और इसको फायदा हुई थी, सब गलत की है इसको, जो हमको घर बर्बाद कर दी। ये मेरी बहन, आपको घर बर्बाद ही की है। बेचारी रो रही है, इनका देखिए, और ये बाहर वाली का देखिए, और घर वाली का स्थिति देखिए ना। एक साल से है ये सब चल रहा है? एक साल? हाँ, मेरी एक माँ के पक्ष से है हम दोनों। अच्छा, ये खून के है पैदा। अच्छा, इनके बारे में आपको पता था पहले से? पहले से नहीं, सबको पता था, हम नहीं जानते थे। इसको भी पता था कि इसका हस्बैंड था, इसको हस्बैंड लाके रखा हुआ है, इसका इसको इसको सास ससुर ननद है, इसको भी पता था कि एक साल से साल भर से रखा है, कुछ भी नहीं किया था, मेरा परिवार से कुछ भी नहीं किया था, सबको सबको पता था, मेरा मायके के भी पता था, इसको भी पता था कि मेरा पति रखा हुआ है, रखा नहीं, बात करता था साल भर से लेकर। क्या बोले कि हमको शौक था कि वही रख ले? हाँ, शौक था, लेकिन सामने आ गए तब ना जाना। तब फिर अच्छा ठीक है, दोनों तुम दोनों बहन हो, अब सैतीन बन गई हो ना, तो कैसा लग रहा है अभी, कैसा फील हो रहा है? बर्बाद कर दिया ना अपनी बहन का, इसका जिंदगी बर्बाद जी ना। बताइए, जिया जी के संपर्क में है ना, तो कैसे नहीं इसको रखने के लिए तैयार, इसको रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है? हाँ, बताइए ये बताइए, अब क्या होगा? छोड़ने के घर से भी निकाल ऐसे नहीं, चार बच्चे तैयार है, रात को चार बच्चा, रात को लगे हम जवान बेटी है इसको। दोनों आदमी साथ में रहिएगा, एक पति को रहिएगा, जब ही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? तुम रहोगी उसके साथ जब ही नहीं रहेगी? नहीं, ठीक है, वो तैयार हो जाएगी रहने के लिए, तो तुम रहोगी? बोलेगी कि तुम रहो तो हम रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो मान लो कि वो बोलेगी कि हम रहेंगे, तो तुम लोग सोएगी कैसे पति के साथ? पति आपके साथ रहेगा कि इसके साथ रहेगा ये बताइए? इसी के साथ रहेगा। नहीं बोले जे, बहुत मुकरे बात है, खींचा खींची करोगी दोनों? खींचा खींची नहीं करेंगे, ये रहेगी तब नहीं। समाज में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, मतलब बताइए, अब अपने सगी बहन पे भी कोई भरोसा नहीं कर सकता है, अपने घर में अपने मायके वालों को बुलाना एक मुश्किल वाली बात हो गई है। ये तो कह रहे कि आपको सब कुछ पता था? सब कुछ पता था, सुनिए, इसको पति से पति आते थे, इसको सब पता था कि हमको पति से पति आता है, सब चीज पता था, किसको नहीं पता था? सबको पता था, सब छोड़ लेता साल भर से, खाली हमारे ऊपर दबाव डाल दिया। तुमको पता था जी? सबको पता था यार, नहीं देख रहे हैं? सबको पता था ये लोग क्या किया, हमें पति रख ले, सबको पता था। तो क्या होगा, तुम गलती क्यों, उसके पति के साथ 11 महीना रही हो, दो थप मार दी तो बड़ी बहन है ना? देखिए जांच कैसे सकते हैं, जब दो थप मारने के लिए पता पड़ा, मारने के लिए आपको काम नहीं है, काहे मारी? बाकी तुम बोल रहे हो कि हम नहीं, सब पता था ये लोग क्या? हां, सुनिए सुनिए, बताते हैं नहीं मालूम।
साफ सुथरा बात बताइए, पति के साथ रहेगा जीजा जी के साथ रहेगा? वो अगर वो रखने के लिए तैयार है तो उसी के साथ रहेंगे। यही से खुश है? खुश करते हैं, रखे लगी तैयार है तो रहेंगे, नहीं रखने के लिए तैयार है तो रखेल बन के रहोगी। हाल देखिए कैसी हो गई है दीदी आपकी। सुनिए सर, हम बताते हैं ये सब सूखने के लिए उसको हम पार्टी का खाना देने के लिए मना कर देते हैं। तो उसका हक मार रहे हैं ना? हम काहे के लिए हक मारेंगे बताइए? अरे दूसरी औरत का ध्यान रहेगा तो पहली पत्नी को कैसे देखेगा? तुम इतनी हो ना, तुम्हारी अपनी बहन है ना, कुपोषण के शिकार है बेचारी, उसको खाना ढंग से नहीं मिलता। कितने महीने की प्रेगनेंट है? ऐसे तो अभी लगभग 2 महीना है, बाकी कंफर्म नहीं है। एबॉर्शन भी करवाई हो पहले? इससे 11 महीने में कोई एबॉर्शन नहीं करवाई हो? चलिए जो भी है जैसा भी है, लेकिन बहुत गलत है समाज में इस तरीके का होना, बहुत गलत है। अरे 14-15 साल की इसकी जवान बेटी है, कम से कम वो शर्म तो आना चाहिए। ये 22 साल की उम्र जो अपने पति के नहीं हो, जीजा जी का कैसे हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, कल को खाना भी नहीं होगा, भी नहीं होगा, मेरा नहीं होता, इसका होता था। जब सगी बहन का है किसका? जैसे एज भी का तो है, एज उसका ज्यादा है इसका कम है। जब इसका जवानी आएगा उसका बुढ़ापा आएगा, तो फिर जवानी में ये शादी करेगी दूसरा? जल्दी बोलो किसके साथ रहोगी? माँ बाप के साथ रहिएगा, बताइए। माँ बाप के साथ रहेगी, माँ बाप के साथ रहेगी, माँ बाप के साथ रहेगी, माँ बाप।